morning. Welcome back to GS Mahavidyalaya. I am your educator Vibha Prabhakar and I am going to teach you mathematics BSc part 1. इसमें आपके example 2 का complete हो चुका है. Now example 3. इसमें दिया गया है if tan theta plus i pi equal to sin x plus i y. Then prove that hyperbolic cot y into hyperbolic sin 2 phi equal to cot x into sin 2 theta. ये हम लोगों को prove करना है. देखिए proof तो दिया गया है, हम लोग लेके चलेंगे sin x plus i y equal to tan theta plus i phi. ये हम लोग लेके चलेंगे. यहाँ पर क्या करिए, sin a plus b का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए. sin x cos i y plus cos x into sin i y equal to tan को sin में cos में चेंज कर लीजिए, sin theta plus i phi upon cos theta plus i phi. I को hyperbolic में चेंज कर लीजिए, sin x hyperbolic cos y plus cos x into i hyperbolic sin y equal to यहाँ पर क्या करिए, कंजुगेट कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos theta minus i phi upon cos theta minus i phi. 2 का मल्टीप्लाई 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b, then sin a मतलब theta plus i phi plus theta minus i phi plus sin a minus b theta plus i phi माइनस थीटा प्लस आई फाई, साइन में हो जाएंगे अपॉन टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस टू कॉस ए प्लस बी मीन्स थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई प्लस कॉस ए माइनस बी मीन्स थीटा प्लस आई फाई. इसको माइनस करेंगे, साइन चेंज, माइनस थीटा प्लस आई फाई, थीटा थीटा कैंसिल, यहाँ पे थीटा थीटा आई फाई से आई फाई, आई फाई से आई फाई कैंसिल. sin x hyperbolic cos y plus I into cos x hyperbolic sin y equal to sin 2 theta plus sin 2 i phi upon cos 2 theta plus cos 2 i phi. sin x hyperbolic cos y plus I into cos x hyperbolic sin y equal to sin 2 theta plus hyperbolic में change करेंगे, then I hyperbolic sin 2 phi. cos 2 theta plus hyperbolic cos 2 phi. इसका इसमें डिवाइड देंगे, real part आएगा and इसका इसमें डिवाइड देंगे, imaginary part आएगा. दोनों साथ से क्या करेंगे, equating real and imaginary parts. यह रियल पार्ट यहाँ पर कितना, साइन एक्स हाइपरबोलिक कॉस वाई इक्वल टू, यहाँ पर रियल पार्ट है साइन टू थीटा ऑन कॉस टू थीटा प्लस हाइपरबोलिक कॉस टू फाई. इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर मेरी पार्ट है कॉस एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई इक्वल टू, यहाँ पर मेरी पार्ट होगा हाइपरबोलिक साइन टू फाई अपॉन कॉस टू थीटा प्लस हाइपरबोलिक कॉस डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड कर देते हैं. अब क्या करेंगे, प्रूव करना उसको लाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड देंगे, देन डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट में साइन एक्स हाइपरबोलिक कॉस वाई, साइन एक्स हाइपरबोलिक कॉस वाई अपॉन इक्वेशन सेकंड में कॉस एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई, कॉस एक्स hyperbolic sin y equal to sin 2 theta upon cos 2 theta plus hyperbolic cos 2 phi, cos 2 theta plus hyperbolic cos 2 phi upon sin hyperbolic sin 2 phi, hyperbolic sin 2 phi upon cos 2 theta plus hyperbolic cos 2 phi, hyperbolic cos 2 phi. ये पूरा टर्म से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, sin x hyperbolic cos y upon cos x hyperbolic sin y equal to sin 2 theta upon the hyperbolic sin 2 phi. अब जो भी हम लोगों को प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग टर्म्स अरेंज कर लीजिए, कितना डालना है हाइपरबोलिक कॉट बाई, ये देखिए कॉस अपॉन साइन हो जाएगा हाइपरबोलिक कॉट बाई हाइपरबोलिक साइन 2 फाइव, ये टर्म इंटू ले आइए
the sine x divided by 5. Then hyperbolic cot y into hyperbolic sine 2 phi equal to cos 1 sine cot x into sine 2 theta. ये हमको प्रूव करना था मींस प्रूव. Equal to 10 theta plus 5 cos alpha plus sin alpha.
वन। अब इसको करेंगे अपोजिट, अपोजिट करने से कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर लगा देंगे न्यूमरेटर में, ई की पावर 2/5 प्लस ई की पावर -2/5 अपॉन न्यूमरेटर आएगा डिनोमिनेटर में ई की पावर 2/5 माइनस ई की पावर -2/5 इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा। अब हम लोग इसमें लगाएंगे कंपोनेंट ऑयल डिवाइडेड अप्लाइंग का न्यूमेरिकल लीजिए।
10 a minus c का फॉर्मूला 10 थीटा प्लस आई फाई माइनस 10 थीटा माइनस आई फाई अपॉन में 1 प्लस 10 थीटा प्लस आई फाई इनटू 10 थीटा माइनस आई फाई वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों इक्वेशन से 10 थीटा प्लस आई फाई डेल्टा प्लस आई से अल्फा माइनस 10 थीटा माइनस आई फाई टेन अल्फा माइनस माइनस प्लस आई से अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा प्लस आई से अल्फा इनटू 10 थीटा माइनस आई फाई मींस 10 अल्फा माइनस आई से अल्फा ये आप आई को हाइपरबोलिक चेंज करिए कितना हो जाएगा आई हाइपरबोलिक 10 टू 5 यहां पर देखिए 10 अल्फा से 10 अल्फा कट हो गया आई हाइपरबोलिक 10 टू 5 इक्वल टू 2 आई से अल्फा अपॉन में 1 प्लस ए प्लस बी माइनस बी लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस आई स्क्वायर से स्क्वायर अल्फा यह बन जाएगा 2 आई से अल्फा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कितना होता है सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस आई स्क्वायर पहले माइनस 1 माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर अल्फा आई हाइपरबोलिक 10 टू 5 इक्वल टू 2 आई सेक अल्फा अपॉन sec square plus sec square 2 sec square अल्फा 2 से 2 कैंसिल यहां i से i कैंसिल sec अपॉन sec square एक sec कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन sec हो जाएगा cos अल्फा लेकिन हम लोगों को प्लस माइनस को अल्फा का रूट करना है तो क्या करें इसका e की पावर वाला फार्मूला ओपन करिए e की पावर 2y माइनस e की पावर माइनस 2y अपॉन e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y इक्वल टू cos अल्फा अपॉन 1 इसको फॉरवर्ड कर दीजिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा बन जाएगा e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y अपॉन e की पावर 2y माइनस e की पावर माइनस 2y इक्वल टू 1 अपॉन cos अल्फा अब यहां पे लगा दीजिए कंपोनेंट को डिवाइड एंड अप्लाई कंपोनेंट को एंड डिवाइड एंड कंपोनेंट को एंड डिवाइड कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे प्लस e की पावर 2y माइनस e की पावर माइनस 2y अपॉन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस e की पावर 2y माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस 2y 1 प्लस cos अल्फा अपॉन 1 माइनस cos अल्फा यानी कि cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा e की पावर माइनस 2y से और e की पावर 2y से e की पावर 2y ये दोनों टर्म्स ऐड हो गए होंगे 2 e की पावर 2y अपॉन 2 e की पावर माइनस 2y इक्वल टू यहां cos अल्फा कैसे फार्मूला ओपन करिए इससे 1 कैंसिल हो जाए देन 2 cos स्क्वायर अल्फा y के माइनस 1 और यहां पर हमें ओपन कर दिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा y के 2 से 2 कैंसिल पावर ऐड हो जाएगी e की पावर 4y इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 1 माइनस 1 कैंसिल माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा ए की पावर 2y इक्वल टू प्लस माइनस cos अल्फा अपॉन दिस इज द फर्स्ट पार्ट ए की पावर 2y इक्वल टू प्लस माइनस cos अल्फा अपॉन फर्स्ट पार्ट अब हम लोग जो है सेकेंड पार्ट को करेंगे इसलिए क्योंकि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितना लेके चलेंगे टेन टू थीटा इसको लिखेंगे टेन थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई टेन एवं सी का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए टेन थीटा प्लस आई फाई प्लस टेन थीटा माइनस आई फाई अपॉन में वन माइनस टेन थीटा प्लस आई फाई इंटू टेन थीटा माइनस आई फाई टेन टू थीटा इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए टेन थीटा प्लस आई फाई की टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा माइनस आई सेक अल्फा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा इंटू
19 प्लस अल्फा 10 एंटी प्लस इसमें आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें 10 नेगेटिव होता है 10 एक्स इक्वल टू 10 वाई जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा टू थीटा इक्वल टू एम पाई प्लस वाई होता है